जमीन मकान खेती आदि की रजिस्ट्री कराने के लिए जिला मुख्यालय पर सब रजिस्ट्रार की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। उस प्रक्रिया का जिम्मा सब रजिस्ट्रार का होता है। विदिशा जिला मुख्यालय की पुरानी कलेक्ट्रेट में श्रीमती प्रतिभा तैनात की गई है, लेकिन ग्यारसपुर में तैनात सोनल गोयल भी विदिशा आकर इस कार्य को कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। वहीं दूसरी ओर सोनल गोयल का एक वीडियो एक हितग्राही द्वारा बनाया गया, जिसमें रजिस्ट्री के एवज में रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे। रजिस्ट्री का काम करने वाले अन्य सर्विस प्रोवाइडर ने खुले तौर पर दोनों सब रजिस्ट्रार द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रजिस्ट्रियों में जानबूझकर छोटी छोटी गलतियां निकाली जाती है, व्यक्ति अपनी लगाई हुई राशि को व्यर्थ न हो जाए इसके लिए उनकी मांग पूर्ति की जाती है। खास बात यह है कि जिन गलतियों को बताया जाता है उसके एवज में दी गई राशि से वह गलतियां बिना सुधारे सुधर भी जाती है और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। सर्विस प्रोवाइडर मनोज श्रीवास्तव खुले तौर पर कैमरे के सामने यह गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यह एक दो नहीं लगभग सभी के साथ होता है। 500,000 से लेकर 2 से 3,000 तक परिषद के लिए जाते हैं। इस पूरे मामले में जिला रजिस्ट्रार चिपरा सेन से बात की गई तो उनका कहना है कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, हमें सबूत चाहिए, बाकी जांच करके ही कुछ कहा जा सकता है। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार उन्मूलन संघर्ष समिति के प्रमुख रवि साहू ने इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बताया और सब रजिस्ट्रार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही उग्र आंदोलन करने की बात कही। रजिस्ट्री करने के एवज में कुछ राशि लेते हैं, ऐसा आरोप सामने आया है। आपके सामने हमने वीडियो भी दिखाया है जिसमें वो पैसा रखते हुए लेते हुए दिखाया। एक्चुअल में आपने आपके माध्यम से मेरे समक्ष कोई चीज़ आई है बगैर उसकी पूरी जांच के और किस के क्या तथ्य आए हैं उसके अलावा कुछ कह नहीं सकते और इसकी पूरी गंभीरता से जाँच की जाएगी। मनोज कुमार श्रीवास्तव, क्या है रजिस्ट्रार ऑफिस का मामला? मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और भी कई लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वो रजिस्ट्रियों में कमियाँ निकालते हैं। इसके हिसाब से प्रत्येक रजिस्ट्री के 500 और 1,000 रुपये तो लेते ही हैं और कमियाँ ढूंढ के कमियाँ बता के तो आदमी घबराता है कि उनके पैसे उलझ जाएंगे या कोई कारण रहेगा तो आदमी भय के कारण 2-2, 5-5 हज़ार रुपये तक ले लेते हैं। वे तो कौन है जो कमियाँ निकालते हैं, क्या नाम है उनका? सोनल गोयल हैं, सब रजिस्ट्रार साहब, कभी 11 फुट बैठते हैं, कभी 20 बैठते हैं और मैडम भी हैं प्रतिभा कुंभरे, है ना? तो ये परेशान करते हैं इसी तरह से, कई लोग परेशान हैं उनसे, तो कई लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन लोग बाग डरते हैं कि हमारा लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देते हैं, इसलिए ये है मामला। क्या आपसे लिए कभी इनने? हाँ, मेरे पैसे हर प्रत्येक रजिस्ट्री पर लेते हैं, हर दिए हैं 500-1,000 रुपये, कभी कभी तो डायरेक्ट कस्टमर से ले लेते हैं, जैसे अपनी गलती निकालते हैं अपन से कहते हैं नहीं हो रही रजिस्ट्री, कस्टमर हाथ पैर जोड़ते पहुंच जाता है उसको साइड में बुला के ला 5,000 दे, 2,000 रुपये दे दो और उसको काम करके परवार निकाल देते हैं। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।